गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट इच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, -30 डिवाइडेड बाय 10। -30 को 10 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे हम? -30 डिवाइडेड बाय 10। 30 एंड 10 तो क्या आएगा? 10 थ्रीजा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -3, क्योंकि माइनस का साइन है ना, -30 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट आपको होमवर्क में करना है, प्रैक्टिस नोटबुक में। नेक्स्ट, -36 डिवाइडेड बाय -9। अगर हम 36 में 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9 4 4। एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा डिवाइड में? इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो क्या आंसर आएगा? -36 डिवाइडेड बाय -9, आंसर क्या आ जाएगा? 4। प्लस का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -2 + 1। तो बोर्ड मास रूल में सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 13 डिवाइड -2 + 1। 13 डिवाइड -2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -1। माइनस वन कैसे आएगा? माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए, तो 13 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 13, और माइनस का साइन, तो आंसर आ जाएगा -13। नेक्स्ट, 0 डिवाइडेड बाय -12। इंटीजर्स की प्रॉपर्टी होती है, 0 से अगर हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरीफाई द ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए बी सी की हमको वैल्यू दे रखी है और हमको ये इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करना है। फर्स्ट, ए इक्वल 12, बी इक्वल -4 एंड सी इक्वल 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है? 12, तो 12 डिवाइड बी प्लस सी। बी की वैल्यू क्या है? -4 देन 2 की, सी की वैल्यू क्या है? 2। 12 डिवाइड -4 में से 2 जाएगा तो क्या आंसर आएगा? 2। एंड साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। 2 6 12, तो आंसर क्या आएगा? -6। नेक्स्ट हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। तो a की वैल्यू क्या है? 12 डिवाइडेड बाय बी, बी कितना हो गया? -4, देन प्लस का साइन, इक्वेशन में बस वैल्यू पुट करनी है हमको ए बी सी की। तो ए की वैल्यू क्या है? 12 डिवाइड बाय सी, 2। ये क्या हो गया? 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -3। एंड ये हो जाएगा +6, तो माइनस प्लस क्या होता है? प्लस का 3 आंसर आ जाएगा। +3 कैसे आएगा? क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको जो ये डैश दे रखे हैं उनको फिल करना है, और हमारा आंसर क्या है? गिवन है हमारे पास, तो 369। अगर हम 369 ये वैल्यू आनी चाहिए, तो 369 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 369। नेक्स्ट, -75, तो -75 है, आंसर भी क्या आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए, तो इसमें हम किसके डिवाइड कर दे? 75 का, 75 को 1, 75 1 = 75, और माइनस का
साइन आ जाएगा 206, 206 से आंसर क्या आना चाहिए पॉजिटिव में, तो क्या आ जाएगा माइनस 206, माइनस 87 और आंसर भी क्या आना चाहिए 87, माइनस 87 तो ये क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट 87 माइनस 87, 20 डिवाइड बाय 20 को हम किससे डिवाइड करें जो हमारा आंसर आए माइनस 2, तो 10 से डिवाइड कर लेंगे माइनस 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, 10 टू जा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल माइनस 3 एंड वन सच पेयर इज 6-2, 6, -2 बिकॉज 6 + 2 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इसका आंसर क्या लाना है माइनस 3, आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास माइनस 3, तो हमारे पास पेयर्स हो जाएंगे 24 और माइनस 8, तो 24 इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, कोई भी टू इंटीजर्स लेना है पर आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए माइनस 3, तो 24 डिवाइड माइनस 8, ये टू पेयर्स हो गए 24 एंड माइनस 8, तो डिवाइड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 8 × 3 = 24 और माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर इज -12 and 4, -12 and 4, तो 4 × 3 = क्या हो गया 4 × 3 = 12 एंड माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर इज 15 and -5, 5 × 3 = 15 एंड माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट 18 and -6, 6 × 3 = 18, नेक्स्ट पेयर हो जाएगा 60 and -20, 20 × 3 = 60 और माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ जीरो, मिडनाइट में आपका टेम्परेचर है 12 नून मतलब आफ्टरनून में 10 डिग्री सेल्सियस, इफ इट इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, एक घंटे में वो कितना डिक्रीज हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, किस टाइम पे वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो का मतलब क्या हो गया नीचे की तरफ आ रहा है ना वापस, जैसे कि हमारी ये इंटीजर्स की लाइन है, नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 and -4, तो ये क्या हो गया अबाउ जीरो के अबाउ हो गया और ये क्या हो गया बिलो जीरो, तो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो मतलब ये किस टाइम पे ये घटेगा तो वो टाइम बताना है हमको, और व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यहाँ पे टू क्वेश्चंस पूछे अपन को, तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ पॉजिटिव, अबाउ पूछ रहा है तो ये किस साइड आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर्स, कितने डिग्री टेम्परेचर एक घंटे में डिक्रीज हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, तो नंबर ऑफ आवर्स 12 नून टू मिडनाइट 12, तो 12 नून में कितने आवर्स हो गए 12 आवर्स, तो चेंज इन टेम्परेचर 12 आवर्स मल्टीप्लाई -2 डिग्री सेल्सियस, एक घंटे में वो इतना चेंज हो रहा है तो 12 घंटे में 12 घंटे में कितना चेंज होगा 12 आवर्स में कितना चेंज होगा, तो इसका आंसर आएगा -24 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस प्लस -24 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आंसर क्या आएगा -14 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना चेंज हो गया व्हाट विल बी मिडनाइट का टेम्परेचर कितना हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में और इसके बीच में हमको डिफरेंस पूछा है, तो 10 सिंपल सी बात है डिफरेंस पूछा है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, तो -, क्या हो जाएगा प्लस 10 + 8 क्या हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमको पूछा है जीरो कब होगा, वो कितने घंटे में जीरो होगा, तो 9 आवर्स के बाद जीरो होगा, 18 में हम क्या कर देंगे 2 का डिवाइड कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टाइम आफ्टर 9 आवर्स फ्रॉम 12 नून 9 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन
फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड माइनस टू मार्क्स आर गिवन एवरी इनकरेक्ट आंसर. एक क्लास टेस्ट हुआ उसमें 3 मार्क्स तो किसको मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर पे, और इनकरेक्ट आंसर पे -2 मार्क्स मिल रहे हैं. एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहा है उसको 0 मार्क्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को पूछा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली. तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए. तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका फॉर 12 करेक्ट आंसर 3 मार्क्स दे रखा, एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 36, 12 3 36. नेक्स्ट ऑप्टेन करेक्ट आंसर का कितना हो गया 36, टोटल मार्क्स ऑप्टेन बाय राधिका कितने मार्क्स आए उसको 20, मार्क्स ऑप्टेन बाय राधिका फॉर इनकरेक्ट आंसर तो इतने तो उसको मार्क्स आए हैं और इतने उसने, तो 20 में से 36 चला जाएगा तो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस, माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस की डिजिट बढ़ी है और 36 माइनस 20 हो गया -16. नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर -60 डिवाइडेड बाय 2, माइनस डिग्री डिवाइडेड बाय उसने इनकरेक्ट कितने किए -2, तो ये क्या इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो गए -2, तो 16 डिवाइडेड बाय -2 क्या आंसर आ गया 8. तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका सेकेंड पार्ट, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन द टेस्ट, उसने कितने मार्क्स लाए -5, थॉट सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसको भी यही पूछा है. तो मार्क्स स्क्वायर्ड बाय मोहिनी -7, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना हो गया 7, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 करेक्ट आंसर का 3 था मार्क्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 3 29. देन मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर का कितना हो गया -5, उसने इनकरेक्ट किए, तो -5 मल्टीप्लाई -5 -21, इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -26. माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन किसका आ गया माइनस का. नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने, उसने 5 मार्क्स तो उसने लाए हैं पूरे, तो 5 -21 उसने करेक्ट आंसर किए, तो टोटल उसके मार्क्स कितना आ गए 26. और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट कितने हो गए उसके, एक इनकरेक्ट तो 2, तो 26 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो गया 13, तो उसके इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए -13. थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारी 1.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया है, इंटीजर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल.